आज एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है। हमने सब ने मिल के निगोशिएशंस के बाद फैसला किया कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त कराची के जो मसले मसाइल हैं हम सब इनसे डील करें। लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लड्स आए हैं, पहले अल्लाह ने हमें फ्लड से पहले इम्तिहान में डाला। कोरोना के ऊपर बड़ा मुश्किल मरहला था और उसमें भी अगर हमारी कामयाबी हुई तो उसका बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। हमने बड़ी जल्दी ये फैसला किया कि जिस तरह का वो वायरस फैल रही थी और जो दुनिया में आपने देखा, तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड फैसलों की ज़रूरत थी। तो उसमें जो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि हमने बड़ी जल्दी कमेटी बना के और फिर हमारी डेली मिलती थी जो NCOC थी, सबसे एक्सपर्ट से सूबों में टोटल कोऑर्डिनेशन थी और हमारे फैसले बेहतर हुए। हमने एक उस तरह की भी कमेटी, ये जो लोकस्ट, वो एक वक्त का बड़ा ख़तरा था, अभी भी पूरी तरह वो ख़तरा नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर भी हमने वो फैसला किया। और अब हमने इसी पे फैसला किया कि पहले तो कराची का मसला, लेकिन ओवरऑल ये जो फ्लड्स हैं ये बलूचिस्तान में भी हिट किए हैं, ये सिंध के इंटीरियर में बुरी तरह हिट किए हैं, ये स्वात में भी डैमेज हुआ है, मियांवाली जो मेरा हल्का है उधर भी इस वक्त काफ़ी लोग मुश्किल के अंदर हैं। तो ओवरऑल एक अल्लाह ने हमें ये बारिशों की वजह से ये जो फ्लड्स आए हैं एक और इम्तिहान में डाल दिया। तो इसका भी हमने फैसला किया कि पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले कराची का, जिधर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, कभी तारीख में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो पहले तो कराची का हम जो तबाही मची और इसका इसी फ्लड का की वजह से और बारिशों की वजह से जो कराची के बाकी भी मसले हैं उन सारे मसलों को हम एक ही वक्त पर टैकल करें। निगोशिएशंस पूरी हमें चली, मैं पहले आ जाना था लेकिन हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था वो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं जो भी फैसले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें उसी तरह जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे, और वो हमारा BCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी, इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। ये भी मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में जब भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं और क्लैमिटीज होती हैं तो आर्मी हमेशा सामने आती है, वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो ये सब अब जो फैसले होंगे ये इम्प्लीमेंट करेगी हमारी जो ECIC है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है, 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो मिलके जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपए। इसमें हम करेंगे क्या 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 चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला, और वो बड़ी देर से चला आ रहा है और उसको अब हमने फैसला किया है मिलके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा लेगी, फेडरल गवर्नमेंट एक हिस्सा लेगी K4 का, और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि हम अब इसको, ये जो पानी का मसला है ये हम डिस्कस ही कर रहे थे कि कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है, नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं, तो ये भी हमने फैसला किया कि जो हमारी NDMA है वो नाले साफ़ करेगी, और वो कर रही है, अभी शुरू कर रही है। और जो लोग डिस्प्लेस होंगे सबसे ज़्यादा ये बड़े वो लोग हैं जो कि
गरीब तरीन लोग हैं, तो इनकी हमने सिंध गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी इनकी सेटलमेंट की, और फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली नाले साफ कर रही है, तो ये सेकंड चीज़ है। तीसरी चीज़ सीवरेज सिस्टम है, ये भी एक कराची का बहुत बड़ा इशू है, तो सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस तरह हम सब जानते हैं कराची में, तो इसके ऊपर भी अब फैसला हो गया है कि ये इसी 1100 अरब रुपए में कराची के जो सॉलिड वेस्ट का इशू है ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें और इसका पूरा एक सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट, कराची का ट्रांसपोर्ट का इशू है जिसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है, ये इसके ऊपर भी अब हमारा फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है ये भी हम इसकी इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। और फिर सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ये भी आज हमने जो तय हो गया हम सबका कि ये कराची के ये भी इश्यूज़ अब जो ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है ये भी हम अब पूरी तरह करेंगे। तो एक तरफ कराची के लोगों को बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा है, लेकिन हुआ इससे ये है कि जो सारी जो चीज़ें नहीं होती थी कराची में वो हमने इस कमेटी के ज़रिए पूरी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए फैसला किया कि हम अब हल करेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना है कि कराची के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में मुख्तलिफ एंटिटीज़ की जुरिस्डिक्शन है, कहीं कंटोनमेंट्स आ जाती हैं, कहीं फेडरल गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है रेलवे है, कहीं आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो वो जो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो हमारी PCIC बन गई है इसका मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे और फैसले आसान होंगे, रुकावटें दूर होंगी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन असल चीज़ तो है इम्प्लीमेंट करना, प्लान्स बन जाते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये जो PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी है सब देख रहे होंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज उन एरियाज़ में, तो सब मिल के आप करेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो एक बड़ा मुश्किल वक्त कराची के लोगों ने गुजारा है इससे ये एक बेहतरी अब निकलेगी कि वो जो पेंडिंग मसले थे कराची के वो इंशाल्लाह अब हम हल करेंगे। दूसरा जो इशू है वो ओवरऑल, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फ्लडिंग में और बहुत लोग मुतासर हुआ, तो वो भी इंटीरियर में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे पूरा आगाह किया कि किस तरह की तबाही मची है इंटीरियर में भी, तो वो भी हम आपको बैठ के उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम अब उधर भी कैसे मदद कर सकते हैं। बलूचिस्तान जो है वो भी मेरी उनसे जान कमाल से पिछले दिनों में बात हुई थी, वहाँ भी कई एरियाज़ के अंदर बड़े लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो उधर भी बलूचिस्तान भी है और KP के इलाकों के अंदर, वहाँ भी इसमें स्वात के अंदर और चित्राल में भी हाई फ्लड आए हुए हैं। हमें अल्लाह ने इस साल ये मुश्किल इम्तिहानों में डाला, जिस तरह मैंने कहा कोरोना का बहुत बड़ा इम्तिहान था, साथ वाले मुल्क हिंदुस्तान में आप देख लें कि उधर किस तरह की इस वक्त अजाब आया हुआ है, उनकी इकॉनमी किस तरह नीचे गिरी है, उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उससे हमारे क्योंकि एक ही तरह की कंडीशंस हैं तो उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है पाकिस्तान में कि हम उससे, बल्कि शायद ही कोई मुल्क हो जो इतनी अच्छी तरह निकला हो जिस तरह हम निकले हैं। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी एक टोटल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी उसमें, अब इसमें भी हमने फैसला किया कि जो ये फ्लड्स हैं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, सब बैठ के और तय हो गया सारे मामले, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई, और इंशाल्लाह अब से आप एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि एक साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है, और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। तो ये जो मैंने आपको सारे इनिशिएटिव्स 6 बताए हैं, ये हमारी कोशिश है कि 1 साल के अंदर पहला फेज़ और 3 साल में सारे फेजेस ख़त्म हो जाए।